ओपन करो। हाँ ओपन करो। हेलो, तो आ गए फिर से अपने टिगोर में एक नया सी अप्पा लेके। एक एक्चुअली छोटा सा DIY है, हो सकता है आपके भी काम में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं, मैं बताता हूँ। अरे मैं देख कर रहा हूँ, इधर देख भाई इधर। ओके, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोकियो। तो जी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब भी मैं ये फ्यूल लीड ओपन करने की कोशिश करता हूँ, आप देख सकते हैं कि मेरी फ्यूल लीड ओपन ही नहीं हो पा रही है। तो जब भी मैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने जाता हूँ, पीछे गाड़ियाँ लग जाती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, पैपै पुपू, और थोड़ा एम्बेरेंसिंग हो जाता है। इशू मैंने बहुत बार, 2-3 बार सर्विस सेंटर को बताया था, बट टाटा तो टाटा है, वो अपने बुकलेट से स्टिक रहते हैं, जो भी बुकलेट में सर्विस है वो कर देते हैं और एक्स्ट्रा की सर्विस करते हैं। बट ये गाड़ी भी टाटा की है, टाटा से इतनी लॉयल है कि वहाँ पे अच्छे से सब काम करती है, और घर आने पे फिर से वही सी अप्पा। तो मैंने कहा चलो यार खुद से ही देख लेते हैं, छोटा मोटा कुछ होगा तो हम कर ही लेंगे, इतना तो कॉन्फिडेंस है हमें। अभी भी खुला नहीं है, तो चलो देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जब भी मैं ये खोल रहा हूँ तो मुझे कहीं ऐसा हार्ड फील नहीं हो रहा है कि कहीं जाम है, ऐसा नहीं लग रहा है। तो मुझे लगता है कि कुछ अलाइनमेंट का इशू होगा पीछे के डोर का, तो वो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये रही अपनी फ्यूल लीड, ओपन करो, देखो कुछ नहीं हो रही है, आवाज़ आ रहा है, मतलब अंदर से वायर ठीक है, सब ठीक है। बट आप एक चीज़ देख रहे हो, गैप देख रहे हो इसकी, इसका मुझे लगता है कि अलाइनमेंट इशू है, और ये ज़्यादा सामने आके यहाँ पे टकरा रहा है। तो एक बार हम इसको कॉइन से खोलते हैं, एक बार खोलो, ये कॉइन से निकल गया, ओपन करो। देखो मैकेनिज्म अच्छे से काम कर रहा है, अंदर बाहर ये आ रहा है, यहाँ पे ये जो है इसमें लग जाता है और ये बाहर निकल जाता है। यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा है, ये आप स्प्रिंग देख रहे हो, ये इसे पीछे धकेलता है। तो ये स्प्रिंग तो काम कर रहा है, बट मुझे लगता है कि ये अलाइनमेंट बिगड़ने से ये यहाँ पे जाम हो जा रहा है। तो इसको अलाइनमेंट थोड़ा पीछे करना पड़ेगा हमें। मैं ट्राई करता हूँ हाथ से ही, थोड़ा ऊपर चेक चेक करते हुए मैं देख रहा हूँ, थोड़ा और पीछे, अब मुझे थोड़ी गैप सही लग रही है। ट्राई करते, ओपन करो। हाँ ओपन करो, सही है, ओपन करो, सही है। देखो ये चाबी से, पेंसिल से, कॉइन से करने से पूरा यहाँ से पेंट निकल रहा है। बट अब करो, इतना सा काम था, 2-3 बार बताया फिर भी नहीं हुआ। अगर ये वीडियो आपको किसी भी काम में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी।